आजादी का सपना और सरकारी उपेक्षा की दास्तां। टोंगिया गांव के लिए आजादी का सपना आज भी अधूरा। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हरिद्वार का टोंगिया गांव, सरकारी लापरवाही और शिकार टोंगिया निवासी। आजादी से कोसों दूर सरकारी वादों की कमी, देखे गुलाम गांव की गुलामी भरी जिंदगी की दास्तां। आज जहां एक और देश में आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड राज्य के जिला हरिद्वार की भगवानपुर तहसील का हजारा टोंगिया गांव आज भी आजादी का जश्न देखने को तरस रहा है। वो गांव जो अंग्रेजों की गुलामी के बाद अब राज्य की थामी सरकार की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हजारा टोंगिया गांव की हालत इतनी खराब है कि हल्की बारिश में गांव में पानी भर जाता है। मोदी सरकार की हर घर शौचालय योजना यहां पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज भी गांव की महिलाएं शौच के लिए जंगलों का रुख करती हैं, जहां उन्हें जंगली जानवरों और जहरीले सांपों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति राज्य सरकार के लिए एक बड़ी ही शर्म की बात है और इसके लिए उसकी लापरवाही साफ नजर आती है। यहाँ के लोगों की परेशानी का अंदाजा आप तस्वीरों में देखकर लगा सकते हैं। गांव में रहने वाले लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं, जो कि आज भी बेहद ही खराब स्थिति में हैं। ये मकान उनके संघर्ष और बदकिस्मती की कहानी बयां करते हैं। बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से गांव की महिलाएं और बच्चे लगातार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ये हालात उनके हौसलों को परखते हैं और वो अपने आंसू बहाते हुए राज्य सरकार की उपेक्षा की शिकायत कर रहे हैं। जरा आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। यहाँ पर और क्या सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से, और किस तरह की समस्या है गांव में? मजी समस्या तो यहाँ सारी है। किस तरह की? लाइट की है, और स्कूल की है, सड़क की है, पक्के मकान नहीं है, लाइटिंग बाथरूम नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे स्कूल बाहर जाते हैं नदी पार करके, उनके लिए भी समस्या खड़ी। नदी में बच्चा बह गया, आते जाते समस्या ही समस्या है। शौचालय का किस तरह है? शौचालय भी नहीं है जी, शौचालय के लिए बाहर जाते हैं जंगल में। तो वहाँ पर खतरा नहीं है? खतरा है, जानवर का सांप है, बिच्छू है, गुलदार है, हाथी है, सब चीज़ का खतरा है। बच्ची एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है जो रास्ता सही है तो, नहीं तो रास्ता बंद है तो फिर कहीं भी नहीं जा सकते। जैसे कि रास्ता बंद है, नदी में कोई आना पड़ता है। हाँ जी, तो उसमें फिर किस तरह होते हैं? फिर तो जी यहीं सांस निकलेंगे उसके आदमी के जो पेशेंट है। मतलब हुए आपसे? हाँ जी, कई बार हुआ ऐसा। क्या हुआ? कि बाल बच्चा होते हैं ना, औरत यहीं पर ख़त्म होगी। अच्छा। हाँ जी, बीमार भी यहीं ख़त्म हो गया डॉक्टर के जाने से पहले पहले। जानवरों का भी साथ, बहुत चारों तरफ बाहर निकलेंगे ना गाँव से तो खतरा ही खतरा। हजारा टोंगिया गांव के लोग हर रोज समस्याओं का सामना कर रहे हैं। गांव के लोग भ्रष्ट नेताओं को वोट देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये नेता गांव में नजर नहीं आते। ग्रामीणों का कहना है कि वो आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, पहले अंग्रेजों की और अब काले अंग्रेजों की। अगर गांव में कोई बीमार हो जाता है तो उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि वो अक्सर अपनी जान गंवा बैठता है। यहाँ की सड़कें इतनी खराब हैं कि लोगों का निकलना मुश्किल है। जंगली जानवरों का खतरा हर पल बना रहता है और राज्य सरकार को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारा टोंगिया गांव की स्थिति राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की विफलता और भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है। ये गांव एक बार फिर से अपनी बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और इस स्थिति में सुधार की जरूरत है। सरकारी अधिकारियों, नेताओं को इस गांव की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये लोग भी आजादी के जश्न का हिस्सा बन सके और बुनियादी जीवन की सुविधाएं ले सकें।